नेचर्स कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है ज्यादा टमाटर खाने के नुकसान। दोस्तों आपको पता होगा कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है और यही बात टमाटर पर भी लागू होती है। सब्जी, सूप या फिर सलाद हो, टमाटर का इस्तेमाल लगभग हर चीज में किया जाता है। वैसे तो टमाटर खाने के कई फायदे हैं, लेकिन जब इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ये भारी नुकसान भी पहुंचाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ज्यादा टमाटर खाने से आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। पेट खराब होना। टमाटर खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो सकता है। जिन लोगों को इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम की समस्या है, उन्हें टमाटर की थोड़ी भी ज्यादा मात्रा से पेट फूलने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा टमाटर की ज्यादा मात्रा से डायरिया भी हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स। टमाटर में बहुत ज्यादा एसिड होता है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स या फिर सीने में जलन की शिकायत है तो आप बिल्कुल कम मात्रा में ही टमाटर का सेवन करें। टमाटर आपके पेट में और एसिड बना सकता है, जिसकी वजह से आपके पाचन की दिक्कत और बढ़ सकती है। किडनी स्टोन की समस्या। टमाटर में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है, उन्हें पोटेशियम कम लेने की सलाह दी जाती है। टमाटर में ऑक्सलेट होता है, जो किडनी स्टोन बनाने का काम करता है। अगर आपको पहले से ही किडनी स्टोन की समस्या है तो टमाटर की उचित मात्रा को लेकर अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। ब्लड प्रेशर की दिक्कत। कच्चे टमाटर में सोडियम बहुत कम होता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन अगर आप डिब्बा बंद टमाटर या टोमेटो सूप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें भारी मात्रा में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने का काम कर सकता है। एलर्जी की दिक्कत। जिन लोगों को हिस्टामिन कंपाउंड से एलर्जी है, उन्हें टमाटर का एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। इसकी वजह से एक्जिमा, रैशेज, खुजली, गले में खराश और चेहरे पर सूजन आ सकती है। जिन लोगों को टमाटर से एलर्जी होती है, उन्हें इसकी थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टमाटर में एसिड ज्यादा होता है और ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लैडर में जलन होने लगती है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है तो टमाटर की ज्यादा मात्रा आपकी समस्या को और बढ़ा सकती है। मांसपेशियों में दर्द। टमाटर में पाए जाने वाले हिस्टामिन कंपाउंड से जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है। टमाटर में पाए जाने वाले सोलिन की वजह से कुछ लोगों को इंफ्लेमेशन की दिक्कत हो जाती है। टमाटर की ज्यादा मात्रा गठिया और मांसपेशियों का दर्द भी बढ़ाती है। माइग्रेन का दर्द। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक टमाटर की ज्यादा मात्रा माइग्रेन का दर्द बढ़ाने का काम करती है। एक स्टडी में इसकी पुष्टि की जा चुकी है। एक्सपर्ट के अनुसार खान पान में बदलाव कर माइग्रेन को 40% तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप माइग्रेन के दर्द से पीड़ित हैं तो टमाटर का सेवन कम से कम करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद।